स्वागत है आप सबका जिम एफ्रो T10 लीग के 14वें मुकाबले के अंदर। मैच है यहाँ पे केपटाउन सैम पार्मी बनाम हरारे हरिकेन्स के बीच में, जो खेला जाएगा हरारे के अंदर। मैच टाइमिंग है रात के 8:30 बजे। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट से बड़ा रुख करते हैं, तो आप देखें जो टीम है कौन सी, केपटाउन सैम पार्मी भाई क्या खेली है पार्थिव पटेल की कैप्टनसी के अंदर। नेट हंड्रेड इस टीम का लगभग आसमान छू रहा है, और टीम्स का नेट हंड्रेड प्लस के अंदर 0.520 है। इस टीम का प्लस के अंदर 1.781 है। 5 मैचेस खेल के 4 मैचेस जीती है हरारे, 5 मैच खेल के 2 मैच जीती है। नेट रनरेट इस टीम का माइनस के अंदर 1.413 है। तो केप टाउन सैम पार्मी इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर फेवरेट्स लग रही है। इनके पास टॉम करन है, इनके पास करीम जोना जैसे प्लेयर्स हैं, मरुमुनी जैसा क्रिकेटर है जो बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहा है। तो लेट्स सी क्या होता है इस क्लैश के अंदर। अब देखें टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसका क्या फायदा है, यहाँ पर लाइनअप्स के बाद कोई भी अपडेट आती है तो मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ। क्यों, क्योंकि जो टॉस होता है ना, ये 8:30 बजे की इन्होंने टाइमिंग दी हुई है मैच की, बट 8:30 बजे मैच स्टार्ट नहीं होता है, करीबन 9 बजे के आसपास स्टार्ट होता है। मैच की प्रेजेंटेशन चलती रहती है, जो 6:30 बजे मैच स्टार्ट होता है ना, मैच नंबर 1 ऑफ द डे, उसके बाद ये मैच स्टार्ट होता है। तो लेट्स सी क्या होगा इस गेम के अंदर भाई साहब, बहुत ही रोमांचक मैच होने वाला है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। पिच रिपोर्ट देखते हैं, यहाँ पे मैच नंबर 2 है दिन का, शाम को 6:30 बजे पहला मैच होता है, उसके बाद ये दूसरा मैच होता है। तो यहाँ पे जो स्कोरिंग पैटर्न है किस तरह से बना है, लास्ट गेम में 134 बना जो मैच था बुलोवे ब्रेस और हरारे का, उसमें 134 बनाया था हरारे ने। बुलोवे चेस करने आती सिकंदर राजा की टीम और 5 बॉल रहते टारगेट चेस कर जाती है। ये सबसे बड़ा विशाल स्कोर था टूर्नामेंट के अंदर, और वो चेस भी हो गया, मतलब दैट्स अ शॉकर फॉर मी। उससे पहले 91 बना टारगेट चेस हो गया, 106 बना टारगेट चेस नहीं हुआ, 1 रन से टीम पीछे रह गई 1-2 रन से। 122 बना टारगेट चेस नहीं हुआ, 96 बना टारगेट चेस हो गया, 126 बना वो भी चेस हो गया यहाँ पर। तो पिछले 12 में से 6 मैचेस बैटिंग फर्स्ट, 6 मैचेस चेस करते हुए जीते गए हैं। केपटाउन सैम पार्मी 5 मैचेस खेली है टूर्नामेंट के अंदर, 4 जीती है, इस टूर्नामेंट के ऊपर 1 हारी है। हरारे 5 में से 2 मैचेस जीती है और 3 मैचेस हारी है। चलते हैं किसकी तरफ, प्रति ओवर यहाँ पे 10 के आसपास रन बनते हैं, जिसको अपन RPO कहते हैं। जो लास्ट मैच यहाँ पे हुआ था BB vs HH बुलोवियो ब्रेव्स और हरारे हरिकेन्स का, उस गेम में 2 विकेट पेसर का था, 4 विकेट यहाँ पे स्पिनर्स का था, 2 विकेट पेसर का, 4 विकेट स्पिनर्स का। विकेट कॉलम को समझते हैं, विकेट कॉलम क्या कह रहा है, लास्ट 12 गेम्स में इस वेन्यू के ऊपर पेसर्स ने 65 विकेट निकाला है। 12 मैचेस में टूर्नामेंट के अंदर इस वेन्यू के ऊपर पहली बारी में 29 विकेट्स है पेसर्स का, दूसरी बारी के अंदर 36 विकेट है। राइट आर्म पेसर्स का 47 है, लेफ्ट आर्म पेसर्स का 18 विकेट है। तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट इनिंग्स में ही पेसर्स विकेट निकालते हो भाई, सेकेंड इनिंग्स के अंदर फास्ट बॉलर्स के 7 विकेट ज़्यादा एज कम्पेयर टू द फर्स्ट इनिंग। स्पिनर्स की बात करें 52 विकेट्स हैं, पहली बारी में 26 में सर्ड होता हूँ और दूसरी बारी के अंदर भी 26 है, दोनों ने भेदभाव नहीं किया फर्स्ट और सेकंड इनिंग्स के अंदर। ऑफ स्पिनर्स का 23 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेग स्पिनर्स का 10, लेफ्ट आर्म चेयरमैन का 9 और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स के यहाँ पे 10 विकेट है। मैं आपको लेके चलता हूँ पिच की फोटो की तरफ, यहाँ आप देखें ऐसी पिचेस होती है। मैं बताता हूँ पिच इस बार इतनी स्लो ड्राई पिचेस क्यों है, रीज़न ये है इस साल यहाँ पे हुआ था क्वालिफायर्स हरारे के अंदर, बहुत सारे मैचेस हुए थे, तो पिचेस यहाँ पे मोस्टली जितनी भी पिचेस है यूज हो चुकी है। और दूसरी बात क्या, सर्दी का मौसम है, सर्दी में ग्रास जल्दी ग्रो नहीं होती है, बारिश के टाइम होती है ग्रो, अब यहाँ पे बारिश का मौसम नहीं है तो ग्रास को ग्रो करने का टाइम भी नहीं मिलता। ये मैंने कैसे सुना था, कमेंटेटर से। बारिश का तो मेरे को विंटर सीजन का तो पहले से आइडिया था, बट वो आइडिया नहीं था कि जिम्बाब्वे के अंदर किस तरह से चीज़ें चलती है कि ग्रास ग्रो नहीं होगी यहाँ पे। ये सब डायमेंशन, सामने की बाउंड्री 68 होगी, स्क्वायर भी 68 होगी। पिछले मैच में कमेंटेटर्स ने कहा था सामने की बाउंड्री भी 68 मीटर्स है, ये तो मैंने क्वालिफायर्स वाली बाउंड्री दिखाई है आपको, पर ये भी सही है, स्क्वायर तो 67-68, सामने 68 होगा, बस इतना सा करेक्शन है इसके अंदर। इस स्टेडियम का व्यू है, बड़ा खूबसूरत है, मैदान है, रूल्स देख लो, 7 ओवरसीज प्लेयर है मैंने पहले ही कहा आपको, और 1 बॉलर 2 डाल सकता है, फ्लोटिंग पावर प्ले है, 2 पावर प्ले के कहीं भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इंपैक्ट प्लेयर का रूल भी है। केपटाउन सैम पार्मी गुरबाज ओपन करेंगे मरुमुनी के साथ, राजा पक्षा आते हैं, वनडाउन शॉन विलियम्स, पार्थिव पटेल, करीम जोना, टॉम करन, जोनाथन कैम्बल, रिकर्ड निग्रावा, पीटर हर्ट्ज़ोग्लू, मुजीब आपको खेलता हुआ दिखेगा। लास्ट गेम में देखो क्या हुआ, मरुमुनी 6 रन किया, मोहम्मद आमिर की बॉल पर आउट हो गया 54, उससे पहले 43 20 रन, अच्छे टच के अंदर है। गुरबाज 19-25-0-35-13, ज़्यादा खास इनिंग्स नहीं है बट एक्सपेक्ट करते हैं अच्छी इनिंग्स खेलेगा, कैचेस अच्छे पकड़ता है, लास्ट मैच में भी कैच पकड़ा था, हॉटस्पॉट एरिया पे खड़ा रहता है ये कवर्स के क्षेत्र के अंदर। राजा पक्षा 14-24-8-1-7, करीम जनत अच्छा क्रिकेटर है, लास्ट गेम में 150 पॉइंट्स देखे गया था, 48 रन बनाया 17 गेंदों के अंदर, प्लस 2 विकेट निकाला, 17 रन देंगे।
जितनी बॉल इसने जितनी बॉलिंग से रन दी उतनी बॉल इसने फेस करी थी। 2 विकेट उससे पहले, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 30 रन। शॉन विलियम्स 6 रन किया इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर इतने सारे मैचेस खेल के। पार्थिव पटेल 37 नाबाद 5 और लास्ट गेम में 0 किया 2 गेंदों के अंदर। टॉम करन ने 6 रन बनाया था 4 गेंद के अंदर और 1 विकेट निकाला बॉलिंग से। अच्छा क्रिकेटर है, इस टूर्नामेंट के अंदर हर मैच में कुछ ना कुछ विकेट निकाल ही रहा है। 6 विकेट निकाल चुका अभी तक कोई 4 मैचेस खेल के। कैंपबेल इंपॉर्टेंट नहीं, हेड्सअप रूल ने लास्ट मैच में एक और डाला, हर मैच में 1-2 विकेट निकालता ही है। 1 विकेट 1 विकेट 2-1 0। कॉटल भाई बहुत अनलक्की बॉलर है, पहले मैच के अंदर 11 रन दिया 2 ओवर में, मतलब 12 बॉल में 11 रन, लास्ट मैच में दिया उसने 12 बॉल में 13 रन, तो भी विकेट नहीं मिले इसको। निगरावा एक ओवर डाला 7 रन दिया विकेटलेस। मुजीब ने 1 विकेट निकाला 11 रन दे के 2 ओवर के अंदर। बहुत अच्छा स्पेल था मुजीब भाई का, अच्छा डाल रहा है हर मैचेस के अंदर आके, अब धीरे धीरे और इंप्रूव करता जा रहा है अपने आप को। कॉटरेल का पिछले मैच में 1-4 था, मुजीब का 2-7, निगरावा का 3, करुण जनत का 5-9, हेडरक लू का 6, टॉम करन का 8 और 10 ओवर था। अच्छा स्पेल था वैसे टॉम का भी। हरारे हरिकेन्स रोबिन उथप्पा ओपन करेंगे, अच्छे क्रिकेटर अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, सही टेक्निक से खेलते हैं और स्टार्टिंग मैचेस में रोबिन उथप्पा बॉल को बहुत जोर से मारने देख रहे थे, फिर पिछले कुछ 2-3 मैचेस से क्या कर रहे हैं रवि जो अपने रोबिन उथप्पा है बॉल को टाइम कर रहे हैं एकदम अच्छे से, नजाकत वाले शॉट्स खेल रहे हैं जो अपन देखते हैं सीएसके के लिए रवि रोबिन उथप्पा को खेलते हुए इसी तरह से खेल रहे हैं। इवान लुइस यहाँ पे, रेगिस चिकाब्बा, डोनोवन फेरारिया, इयान मॉर्गन, इरफान पठान, नबी लुक्जोंगवी, ब्रेंडन मऊता, क्रिस्टर मोफोफर एंड नंदे बगर आपको यहाँ पे खेलता हुआ दिखने वाला है। चलते हैं किसकी तरफ, प्लेयर के स्टैट्स की तरफ। तो यहाँ पे देखें लास्ट मैच में क्या हुआ था, हरारे हरिकेन्स की तरफ से देखें, रोबिन उथप्पा ने 0-31-1-31-32 किया, इवान लुइस ने 16 बनाया 19 बनाया। लास्ट गेम में तो भाई क्या पा रही थी, राजा को धो दिया था, 49 किया था 19 गेंदों के अंदर। डोनोवन फेरारिया 2-14-16-11-21 नाबाद, बहुत अच्छी इनिंग्स थी इसकी भी लास्ट गेम के अंदर, कैचेस अच्छे पकड़ता है, आप आराम से मान के चलो 2 या तो 3 कैच पकड़ता है मैच के अंदर, ऐसे एरिया में खड़ा रहता है जहाँ पे बॉल बहुत आती है, बहुत अच्छा फील्डर है। नबी 22-17-2 विकेट 19 रन 2 विकेट 2 रन 0 विकेट। लास्ट दिन तो इनके भाई इतना खास मैच नहीं गया था इसका, नबी कल हरारे अगेंस्ट 2 मैच खेली, दोनों मैच में कुछ नहीं किया था इसने। मॉर्गन 7-2-2-12-7, बहुत खराब टूर्नामेंट गया है। पठान साहब अच्छा कर रहा है एज कम्पेयर टू इयान मॉर्गन, सोचो पठान ने तो कितने साल पहले रिटायरमेंट ले लिया था। 18-9 गेंदों में 15-8 गेंद के अंदर 37 रन 14 गेंदों के अंदर। चिकावा की बैटिंग नहीं आई, पहले मैच में 44, दूसरे में 4, लास्ट गेम में बैटिंग ही नहीं आई भाई की। समित पटेल का 2 ओवर में 21 रन का स्पेल था, इतना खराब भी स्पेल नहीं गया था। ब्रेंडन मऊता 7 बॉल में 23 रन दे दिया, बहुत धोया भाई को, विकेटलेस गया। नंदीप बग 1 विकेट 3 विकेट 0-0 2 विकेट। लुक्जोंगवी 1 ओवर में 27 रन खा गया था, मतलब राजा ने सब कौड़ा तिरछा लिया था पूरे मैच में। मफूफा 1 ओवर में 20 रन खा गया, मतलब क्या ही भूले अब यहाँ पे। चलते हैं किसकी तरफ, स्टार्टिंग और नबी इससे समझो आप, नबी का था पहला 8वां, बर्गर का 2वां, 9वां, समित का 3वां 5वां, मफूफा का 4वां, जोंगवी का 6वां, ब्रेंडन मऊता का था लास्ट गेम के अंदर 7वां और 10वां। चलते हैं किसकी तरफ भाई साहब, चलेंगे यहाँ पे जो प्लेयर के स्टैट्स है T10 के, आप ये सब पढ़ सकते हो, मैंने आपको स्टार्टिंग में सारे स्टैट्स बताए हुए हैं तो आप इनको चाहे तो पढ़ सकते हो। मरुमनी से सुपरस्टार क्रिकेटर आप देखें, 8 मैचेस में T10 के अंदर 361 रन है इसके, अलग ही क्रिकेटर है। इस स्टैट्स जो मैंने आपको वीडियो में दिया, शहनवाज हसैनी को भाई NOC नहीं दिया पाकिस्तान ने, जो मैंने देखा था उन्होंने मना कर दिया भाई आप नहीं खेलने जाओगे जिम्बाब्वे के अंदर मैचअप्स। ताड़ियावंशी मरुमनी वर्सेस नबी, 5 बॉल 10 रन 1 इनिंग्स में 1 बार आउट किया। मुश्किवा ने 1 बार आउट किया। गुरबाज वर्सेस समित पटेल, 6 इनिंग्स में 2 बार आउट किया, 35 बॉल में 65 रन देके। लुक्जोंगवी ने 2 इनिंग्स में 1 बार आउट किया। राजा पक्षा वर्सेस नबी, 4 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है, 27 बॉल में 35 रन देके। करीम जनत वर्सेस नबी, 3 इनिंग्स में 2 बार आउट किया, 10 बॉल में 3 रन देके। पार्थिव पटेल का देख लें कोई खास मैचअप नहीं, टॉम करन वर्सेस नबी देखने को मिलेगा। शॉन विलियम्स वर्सेस नबी, 15 इनिंग्स में 3 बार आउट किया है, नॉर्मल मैचअप से। रॉबी वर्सेस टॉम करन, 12 बॉल 16 रन्स 2 इनिंग्स में 1 बार आउट किया। निगरावा ने 6 बॉल में 9 रन देके 1 बार आउट किया 1 इनिंग्स के अंदर। इवान लुइस वर्सेस करीम जनत, 6 इनिंग्स में 4 बार आउट किया, 32 बॉल में 43 रन देके। मोहम्मद इरफान तो पता नहीं मौजूद है या नहीं, अभी तक देखे नहीं टूर्नामेंट के अंदर। मुजीब ने इनको 16 बॉल में 6 रन देके, 16 इनिंग्स में 6 बार आउट किया हुआ है इवान लुइस को मुजीब ने।
तो वही बात है, उत्तपा और इवान लुस के सामने मुजीब का थ्रेट तो रहने वाला है। समित पटेल वर्सेस टॉम करन, छनिंग्स में एक बार आउट किया है। मॉर्गन वर्सेस कॉटरेल, 34 बॉल 26 रन 4 इनिंग्स में दो बार आउट कर रखा है। नबी वर्सेस निगरावा, 20 बॉल 25 रन 6 इनिंग्स में दो बार आउट किया है। टॉम करन ने 3 इनिंग्स में एक बार आउट किया हुआ है। मुजी वर्सेस रेगिस चिकाबा, 20 बॉल 7 रन 3 इनिंग्स में एक बार आउट किया। साइन अप कर सकते हो, विजन के ऊपर क्या फायदा है, फ्री के अंदर ₹500 साइन अप बोनस मिलता है, एंट्री फीस बहुत कम है कंपेयर टू अदर्स। आप देख सकते हो जहां पर आपको दो मेंबर्स के एटीट्यूड की लीग जीतने के लिए ₹1000 जीतने के लिए आपको ₹575 पे करना पड़ जाता है, वहाँ पर आपको सिर्फ ₹515 के पे करने पड़ते हैं, ₹15 कमीशन लगता है। नो कमीशन कॉन्टेस्ट भी ये वाले, तो आप खेल के देखिए आपको अच्छा लगेगा। रेफर कोड स्टैट्स गुरुजी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। कॉमन कैप्टन करीम जन्नत, नबी अलग जाना है, टॉम करन, इवान लुइस, गुरबाज और मरुमने को रोटेट कर सकते हो, दोनों अच्छे ओपनर्स हैं। 1 मिलियन का मिशन है, देखते हैं कब पूरा होता है। अपना मोबाइल ऐप प्ले स्टोर पर मिल जाएगा स्टैट्स गुरुजी नाम से, करीबन 50,000 डाउनलोड्स है उस ऐप के, तो आप जाके यहाँ पर स्टैट्स चेक कर सकते हो। ऐड फ्री है पूरा ऐप, कोई भी बिजनेस पर्पज़ के लिए ऐप नहीं है, आपकी सुविधा के लिए। वो वीडियो कैसे लगी बताना, वीडियो के अंदर टोटल 17+ स्लाइड्स है। सब्सक्राइब कर ले चैनल को, घंटे घंटे दबा दे, टीम्स की बात है। तो यहाँ पर कैप्टन किया मैंने करीम जन्नत को, वाइस कैप्टन टॉम करन है। रीजन बड़ा सिंपल है, दोनों ऑलराउंड वैल्यूज लाते हैं। करीम जन्नत तो 2 डाउन खेलेंगे, जितने मैंने सुना था पार्थिव पटेल से, उन्होंने कहा था कि हम करीम जन्नत को 2 डाउन ही खिलाएंगे। जिस तरह का प्लेयर है करीम जन्नत, 25 साल का वैसा करीम जन्नत, और इतना मतलब तगड़ा क्रिकेटर है। दो प्लेयर्स की बहुत याद आती है, एक करीम जन्नत है और एक है भाई साहब अपने नूर अहमद। ये दो ऐसे प्लेयर्स जो फ्रेंचाइज टूर्नामेंट के लिए बने, अपने देश के लिए पता नहीं क्या करते हैं ये। करीम जन्नत हर बार T20 स्क्वाड में होता है अफगानिस्तान के लिए, बट बहुत कम अच्छा प्रदर्शन देता है। और वहीं जो नूर अहमद है वो भी इस टीम के स्क्वाड में होता है अफगानिस्तान के लिए, वहाँ पर भी अच्छा प्रदर्शन नहीं देता। इंटरनेशनल के लिए अच्छा स्टार्ट नहीं गया नूर अहमद का, बट जब फ्रेंचाइज टूर्नामेंट खेलते हैं भाई आग लगा देते हैं दोनों, करीम जन्नत और नूर अहमद। गुरबाज, उत्तपा, राजापक्ष, इवान लुइस, मरुमणि, फरारिया, नबी इंपॉर्टेंट है, मुजीब और बर्गर भी यहाँ पे एक अच्छा रोल आपके लिए निभाते हुए दिखेंगे। अलग क्या करना है यहाँ पर, अलग तो यही है कि इस मैच के अंदर केपटाउन सैम्पान भी फेवरेट रहेगी, पॉइंट टेबल के ऊपर सबसे टॉप पे, अलग ही टीम है ये। गुरबाज, उत्तपा इंपॉर्टेंट है, पार्थिव पटेल इंपॉर्टेंट, चिगाबा को भी शायद मैं नहीं लूँगा बिकॉज बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे जा रहा है। यहाँ से राजापक्ष को लिया, इवान को लिया है मैंने, और मरुमणि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फेरारिया हिटिंग करने आता है, फील्डिंग भी बहुत अच्छी कर रहा है, हर मैच में 30 पॉइंट इसके रिजर्व रह रहे हैं। नबी इंपॉर्टेंट, जन्नत आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, टॉम करन इंपॉर्टेंट है, पठान साहब भी अच्छे पॉइंट दे रहे हैं, बट फैंटेसी प्रोस्पेक्टिव से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बॉलिंग नहीं कर रहे, दैट्स वाई। मऊता अगेन, दिस टीम डे गेम ट्राई किया जा सकता है, 3 बजे का मैच है, रात वाले गेम में जरूर मार खाता ही है। लिग ज्वांग भी बॉलिंग फर्स्ट के अंदर, समित पटेल, लेट्स सी किस तरह से मैच जाता है, उस हिसाब से देखते हैं पिच को देख के। बर्गर इंपॉर्टेंट है और मुजीब इंपॉर्टेंट रहेगा। हेडजाग्लू एक ओवर डाल रहा था लास्ट गेम में, निगरावा का एक ओवर था। कॉटरेल 2 डाल के विकेट लेस जा रहा है। मफूफा को मैं ले सकता हूँ बॉलिंग फर्स्ट के अंदर, हरारे पहले गेंदबाजी करते हैं, मफूफा विकेट टेकिंग बॉलर है। तो देखते रहिए स्टैट्स गुरु जी, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल मैंने आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब कर लो, घंटी बटन दबा दो, मिलते हैं दफा से। सुन, जय हिंद।